जनसुराज पदयात्रा के 77वें दिन शिवहर पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश ने स्वीकार किया है कि जैदियों और उनके चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। दरअसल जनसुराज पदयात्रा के 77वें दिन शुरुआत शिवहर पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से शुरुआत की गई। इसके बाद प्रशांत किशोर ने स्थानीय मीडिया से बात की। प्रशांत अब तक पदयात्रा के माध्यम से 850 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। इसमें 550 किलोमीटर से अधिक पश्चिम चंपारण में पदयात्रा हुई और पूर्वी पंचारण में अब तक 300 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। शिवहर में वे लगभग 8 से 10 दिन रुकेंगे और अलग अलग गांव प्रखंड में जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है, जदयू डूबता जहाज है। उन्होंने कई मुद्दों पर हमला बोला। देखिए ये आप दो सवाल कर रहे हैं। पहला तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री बनने की चर्चा, मुझे तो ये चर्चा कहीं नहीं सुनाई थी। जिस दिन से नीतीश जी महागठबंधन में आए हैं उस दिन से ही मैं पत्रकारों को लगातार कह रहा हूं कि मैं इसको राज्य स्पेसिफिक घटना मानता हूं। नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी आज के तारीख में ऐसी नहीं है कि उनके बारे में बिहार प्रधानमंत्री बनना तो छोड़ दीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने का के लिए उन पर संकट है। कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई प्रयास नहीं है। ये चर्चा कौन सुन रहा है मैं तो नहीं जानता हूं। जहां तक दूसरी बात है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 25 का चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जाए। ग्रामीण सड़क मंत्री कौन है? ग्रामीण कार्य मंत्री तेजस्वी यादव है। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खराब है तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव है। शिक्षा व्यवस्था, आप लोग रोज कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है तो शिक्षा मंत्री आरजेडी का मंत्री चंद्रशेखर जी है। तो मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री के चेहरा बन जाए, वो तो नीतीश कुमार का मतलब ऐसा है कि बिहार कोई नीतीश कुमार की जागीर थोड़ी ना है। जिसको अपना चेहरा बनाना है दल का बना दे, लेकिन बिहार की जनता तो ये भी देखेगी ना कि आप नेता होने के नाते